आज नवरात्रि स्पेशल, मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है डिनर पे? आज टफी ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया अपना। क्रेटा ऊंची है, अब देखो क्रेटा ये है और ये मेरी गाड़ी, अब देख रहे हो मतलब कितना फर्क है। ये शॉकर होता नहीं, ये वाला इस शॉकर के मैंने पीछे से लगा रखे इंजन से। आज नवरात्रि स्पेशल, मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है डिनर पे? फिलहाल तो अभी रोटियां बन रही हैं। हुआ है वहाँ पे, देखो कैसे बैठा हुआ है। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे अभी लौकी की सब्जी बनाई है एकदम पहाड़ी स्टाइल पे। तो मम्मी का ये फेवरेट कढ़ाई है, मम्मी इसमें सब्जी बनाती है हमेशा। तो यहाँ पे मम्मी रोटी बनती है, अगर यहाँ चूल्हा नहीं होता, अगर यहाँ पे आग जलाते तो मम्मी रोटी पक्का कह रहा हूँ आग भी बनाती, चूल्हे में नहीं। पहाड़ियों में ऐसा ही है कि रोटी जो बनती है वो चूल्हे में नहीं, हमारे वहाँ पे आग में बनती है। क्या मिस कर, प्रियंका ने रायता नहीं बनाया। टफी ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारा टफी है, खाने का वेट कर रहा है। इसके लिए मस्त चिकन आया था बाहर से आज, तो आज ये मस्त अपना खाना खाएगा। टफी सब देख रहा है, सब सुन रहा है हमारा टफी। हेलो करो, चलो वेरी गुड, पहले हेलो करो वेरी गुड। सबसे पहले इससे बहुत डरता है क्योंकि इसने हमारे गांव में देखा होगा पक्का बाघ, तो इसलिए बहुत डरता है वो। बने रहिए हमारे साथ एंड तक, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। GSM Vlogs 21 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और यूट्यूब का GSM Vlogs @GSM Vlogs। सो जाके सब्सक्राइब करो, और बहुत लोग प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस को, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज टफी ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया अपना। इसके लिए चिकन बाहर से आता है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो चिकन हम घर पे नहीं बना रहे, इसके लिए बाहर से बना बनाया आता है। अभी यहाँ पे टफी मस्त एकदम आनंद लेता हुआ, टफी को पता होगा ये चीज़ क्या है, मुझे बताना। ये बहुत खाते थे, मुझे नाम बताना कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं। ये फास्ट में मम्मी लोग खाते हैं फास्ट में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये हेल्थ के लिए भी, और इस टाइम सबसे ज़्यादा यही लोग खाते हैं, तो लेके आए थे तो मम्मी भी ये खाएंगी सबसे ज़्यादा फास्ट में। यहाँ मम्मी बात करते हुए दीदी से। चलो आपको आज मैं अपनी गाड़ी का टूर कराऊंगा, और गाड़ी में फेस लिफ्ट जो मैंने करवाया है आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था व्लॉग पे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे अभी चलते हैं वहीं पर, आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, फाइनली अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में, और पार्किंग में अभी गाड़ी लेके जाऊंगा आपको बाहर। अच्छे से धूप आ रखी है तो बाहर दिखाऊंगा गाड़ी कितनी उठाई है, कैसे उठाई है, क्या किया है, वो सब बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में एंड तक, तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। आप बोलते रहते हो ना, जैसे लोग बोलते हैं क्रेटा ऊंची है, अब देखो क्रेटा ये है और ये मेरी गाड़ी, अब देख रहे हो मतलब कितना फ़र्क है। ये तो नीचे लग रही है काफ़ी, ये देखो हाइट से देख लो ना, ये हाइट से, इस हाइट से देख लो कितनी ऊंची लग रही है। तो जब मैं इसके सामने भी खड़ा हो रहा हूँ कैमरा लेके, तो ये इसका हाइट है, ठीक है। अब मैं यहीं से आऊँगा तो ये देखो ये इतनी उठा दी है मैंने, सो आपको दिखाऊँगा अभी बाहर जाके क्या किया है मैंने गाड़ी में। ये है गाड़ी, ठीक है। मैंने इस गाड़ी में जो लगाया है अंदर से, वो मैंने एक्चुअली ये चीज़ लगाई है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, कि आपको अगर मंगाना है आप मंगा सकते हो। इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें आपको एक ग्रिप पकड़ने के, लॉक करने के लिए है, ठीक है। ये चीज़ टाइट करने के लिए है, इसको टाइट करने के लिए इतना टाइट हो रखा है कि पूछो मत। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें 6 इंच तक फ़ोन आराम से लग जाएगा आपका, तो रिकॉर्डिंग के सबसे बेस्ट है, आपका ये एरिया पूरा कवर हो जाता है। जो मैंने शॉकर उठाया है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है इतना सा शॉकर, ठीक है, इतना छोटा सा, इतना सा भाई, मतलब गाड़ी तो लगेगी लगेगी फिर, ठीक है। और ये इसके मैंने ले लिए हैं, ये पीछे के हैं एक्चुअली, ठीक है, आगे के मैंने लिए नहीं, पीछे के हैं, तो पीछे के इतने इतने शॉकर लगे हुए थे, तो उसका मैंने हॉर्न भी चेंज कर दिया था, हॉर्न भी था इसका, हॉर्न भी चेंज कर दिया, सब अच्छा हॉर्न लगा दिया मैंने इसमें। तो आप देख रहे हो साइज़ देख रहे हो सर, इतना सा छोटा साइज़ है। तो आप देखो जो मैंने लगाया है अभी,
वो साइज कितना बड़ा है। ये है कैप, ठीक है, गाड़ी का। अभी आपको मैं दिखाऊंगा दूर से, तो आपको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, ये शॉकर होता ना, ये वाला, इस शॉकर के मैंने पीछे से लगा रखा है इंजन से, वो दिख रहा होगा नीचे से, गिट्टी दिख रही है, गिट्टी, ये गिट्टी दिख रहे हो, ये वाली गिट्टी, इतनी ऊंची वाली ऊपर टॉप में लगा रखी है, वो है, ठीक है। ये दोनों लगा रखे हैं मैंने साइड बाई साइड। तो ये हिस्सा है ना, आप देख रहे हो कितना ऊँचा है, आपको दूर से दिखा देता हूँ मैं। ये है, ठीक है, गाड़ी, आप इसका ये देख लो भाई कितना ऊंचा है, ठीक है, गाड़ी में। जबकि अभी ये मैंने आगे से उठा रखी है गाड़ी, इसमें क्या हुआ है, जो काम हुआ है वो इसके शॉकर के अंदर ना इतनी मोटी गिट्टी डलती है, वो मैंने डलवा रखी है अंदर से। तो ये, तो इसमें क्या और भी स्पेस है आपके इसमें, तो आप और भी टायर ऊंचा लगा सकते हो। आप स्पेस देख लो, ये इतना स्पेस मैंने इस गाड़ी का उठा रखा है, ठीक है, हाथ से देख लो, मतलब आप रियल में देखोगे तो बहुत स्पेस है, ये मैंने काम किया है। बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब हो रहा है या गाड़ी रोड पे गिट्टी पकड़ रही। होता यह है कि सामान वामान जितना भी है गाड़ी का, वो सामान सारा सामान पीछे आता है, और गाड़ी में अगर 5-6 लोग बैठ रहे हैं, तो 5-6 लोग बैठने के बाद गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी झुक जाती है हल्की से ऐसे करके ना आगे से भी, और कहीं पहाड़ी की जगह में जा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि यार गाड़ी लगती रहती है, तो चक्कर में गाड़ी मैंने उठा दी। ये हमारी गाड़ी के देखरेख वाले, हमारे शिव शंभू, तो ये हमने लगा रखा गाड़ी में है। वो टायर है इसका, ये है आपको कौन सा, R16 इसका टायर है, ये देख रहे हो R16, तो ये इसका टायर है। और अभी भी मतलब काफ़ी स्पेस है, थोड़ा बड़ा टायर इसमें आराम से लग जाएगा, बट मैं वो लगाना ही चाहता क्योंकि इससे क्या होगा, व्हील बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप देख रहे हो गाड़ी कितनी उठा रखी है मैंने हर साइड से। इसका एक यहाँ से है, इसका एक ट्यूबलेस टायर भी है, प्लस इसके बाद यहाँ पे इसका R16 ये टायर लगा रखा है मैंने इस पर, और इसमें नाइट्रोजन भरा रखी है गाड़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका, ये सीट वगैरह सारी नीचे हो जाती हैं। अगर आपको मैं करके दिखाऊँ उसकी सीट को, उसे पकड़ लिया, ये मैंने कर दिया इसका नीचे, ठीक है। पहले तो ये सीट भी नीचे होती है, पहले सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये सीट है, ये देखो ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो सीट है ना, ये वाली सीट, ये पूरी नीचे हो जाती है। तो इसका ये सबसे गुड पार्ट है कि आप आराम से, ये दोनों सीटें नीचे जाती हैं, तो इसमें क्या आराम से आप लोग आराम से अपना सामान वामान भी डाल सकते हो, ठीक है, पूरा A to Z, तो फुल लोडेड है, तो ये पूरा बोर्ड स्पेस आपको पूरा मिल जाएगा। और इसमें तो बहुत सामान आया, तो मैंने जो गाड़ी उठाई है इसकी, तो मैंने इस हिसाब से उठाई है गाड़ी, आप देख रहे होंगे, ठीक है, इतनी उठा रखी है। तो इसका मैंने ये भी चेंज कर दिया मफलर भी, तो ये एरिया है, तो आप देख सकते हो गाड़ी कितनी उठा रखती है इसको। मैं जो सामान लगाया इस गाड़ी में, वो सारा का सारा सामान मैंने, मतलब आप बोलो तो, मैंने एक तरीके से मैकेनिक से बाहर से काम कराया है, क्योंकि जो अंदर के जो लोग होते हैं ना, वो काम नहीं करते, कंपनी वाले कहते हैं हम नहीं करेंगे, आप बाहर से करवा लो, तो मैंने बाहर से काम करवाया, काफ़ी अच्छा काम करके दिया है। और भगवान की दुआ से अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि आपका शॉकर उठा दिए, और शॉकर उठाया नहीं है मैंने, मैंने इसमें एक गिट्टी होती है इतनी सी, जो आपको दिखाई मैंने अभी, वो इतनी बड़ी गिट्टी लगा रखी है इतनी बड़ी, ठीक है। तो 1000-1200 रुपये खर्चा पीछे का आता है, और इसके बाद 1000 रुपये का, 800 रुपये का अराउंड आगे का आता है, क्योंकि आगे गिट्टी नहीं लगती, आगे एक छोटा सा जैसे मोटा सा लोहा सा लगता है इतना सा, क्योंकि आगे हम उठा ही सकते हैं ना गाड़ी को ऐसे, तो इसीलिए गाड़ी को मेंटेन लेवल पर आने के लिए, क्योंकि गाड़ी मेरी अभी ऐसे हो रखी थी ऐसे, ठीक है, पीछे से ऐसे हो रखी थी, तो मैंने इसको इतना कर दिया। तो अब क्या है कि आगे का भी उठ गया, पीछे का भी उठ गया, तो पीछे सामान भी आएगा, तो गाड़ी लेवल पे हो जाएगी। नहीं, ये किया था डिसाइड कि मैं जाऊंगा पर चेक करूंगा पहाड़े, मतलब इसका कैसा है ये ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कैसा है वो चेक करूँगा, इसके बाद अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो ही मैं मतलब ये काम कराऊँगा। तो मुझे दिक्कत आई थी, थोड़ा सामान बहुत आ गया था पीछे, पीछे ही बैठे थे सारे के सारे, तो फिर तो दिक्कत मुझे लगी थी कि दिक्कत आएगी पीछे की साइड पे, आगे साइड पे भी, तो मैंने फिर गाड़ी उठा दी। मैंने कहा यार उठाना ज़रूरी है, तो ज़्यादा मैंने जो मैकेनिक से पूछा, आपके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास SUV हो, सेडान हो, ठीक है, सेडान जो गाड़ियाँ हैं आप उनसे पहले कन्फर्म कर लेना कि उठाना सही है, क्योंकि सेडान गाड़ियाँ जो बनती हैं वो काफ़ी ग्राउंड लेवल पर बनती हैं, ठीक है, कि स्पीड वगैरह SUVs को आप थोड़ा उठा सकते हो, तो इसलिए मैंने उन्हें बोला ब्रेजा को तो उठा ही सकते हो क्योंकि मिनी SUV में आती है, आप इनको उठा सकते हो, तो इसका काफ़ी ग्रिप भी अच्छी है, ठीक है,
तो रोड क्लियरेंस भी अच्छी मिल रही है काफ़ी, तो इसलिए मैंने गाड़ी को उठा दी। तो इसलिए मैंने हर चीज़ पूछ के ही मैंने ये गाड़ी उठाई है। सो गाइज, आप लोगों ने कितनों ने ब्रेज़ा को उठाई है मुझे कमेंट करके बताना। सो ब्रेज़ा का जो मतलब मुझे पता है काफ़ी लोग, और अभी के टाइम में तो मतलब गाड़ियाँ मिलना ही मुश्किल हो रही है, नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो मैंने जब ये गाड़ी ली थी, मतलब मानोगे नहीं, मैंने उस टाइम जब गाड़ी ली थी, गाड़ी लेने के बाद मुझे मैंने उन्हें बोला कि आप बुक कर लो सर, ना गाड़ी मिलेगी नहीं। आज का वो टाइम है कि मतलब 7 महीने या 6 महीने होने वाले आई थिंक गाड़ी को अभी, तो आप मानोगे नहीं, मतलब अभी आप नई गाड़ी लेने जाओगे ना, 1 साल तो वेटिंग है पहली बात तो, ठीक है, 1 साल की वेटिंग। इसके बाद अगर आप सेकंड गाड़ी ले जाए तो ब्रेज़ा तो मिलने वाली नहीं है, मिलेगी भी ना तो हाई रेट पे मिलेगी, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियां भी आपको हाई रेट पे दे रहे हैं, वो हाई रेट पे जो नई गाड़ी आती है ना, नई गाड़ी तो अब 1 साल बाद मिल रही है, 6 महीने बाद आपको कह रहे हैं बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी। तो ये परेशानी हर कोई एक नया कस्टमर उठा रहा है जो नई गाड़ी उठा रहा है। तो इससे अच्छा है कि भाई अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी उठाओ, तो भाई अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी उठाओ, अच्छी कम चली हुई हो, ठीक है, अच्छा मॉडल हो, टॉप मॉडल तो हो, ठीक है, और टॉप वेरियंट हो, तो ये ज़रूरी है गाड़ी का। तो ये जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, पहले आप टॉप वेरिएंट देखो गाड़ी का, पहले सब कुछ, जितना भी गाड़ी आप ले रहे हो पहले कंपनी, बात चाहे मारुति ले रहे हो, चाहे आप कोई भी कंपनी गाड़ी ले रहे हो, स्कोडा या कुछ भी है, ठीक है, तो आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो पहले कंपनी से बात करके उसका चेसिस नंबर बता के गाड़ी की पूरे निकाल लो कि गाड़ी एक्सीडेंट कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही गाड़ी परचेस करो। कि गाड़ी का है पेट्रोल का है 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल के बाद फिर आपको गाड़ी को कटवाना पड़ेगा। डीजल का है 10 साल, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा है कि भाई दिल्ली और इन जगहों में ना गाड़ी, नई गाड़ियां मैं देखी हैं भाई, ऐसे ठोक रखी हैं लोगों ने, क्रैश कर रखी हैं, स्क्रैच वो मतलब पेन से स्क्रैच कर देते हैं, चाबी से पूरा स्क्रैच कर देते हैं यार गाड़ियों को, तो वो चीज़ ना बहुत होती है, ठीक है। लोगों को पसंद नहीं आता कि भाई बंदे ने नई गाड़ी ली है क्यों ख़राब करें, लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा है कि भाई अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी लो और अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है, अगर आप हर चीज़ देख के ले रहे हो तो। इतनी हल्की गाड़ी है ना, वो मैंने चलाई, स्टीयरिंग इतना हल्का, गाड़ी इतनी हल्की, डोर, ये डोर जो है ना, ये डोर इतने हल्के डोर हैं, मतलब कुछ है ही नहीं जान। तो मैंने कहा भाई जो पुरानी वाली गाड़ियाँ होती हैं फॉर्चुनर, देख लो जो पुरानी वाली गाड़ियाँ हैं फॉर्चुनर की, वो गाड़ियाँ कितनी अच्छी थी, अभी की जो गाड़ियाँ आ रही है ना वो सारी की सारी मतलब हल्की आ रही हैं, बहुत हल्की आ रही हैं, बस लुक दे रखा है, DRL दे रखा है, लोग उसी में खुश हैं, सीट आगे पीछे हो रही है बटन दबा के। तो भाई गाड़ी फीचर्स के लोडेड नहीं, बात ये गाड़ी सबसे देखो कि भाई गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, किस हिसाब से दे रही है, सबसे मेन चीज़। तो गाड़ी वही चीज़ लोग लेते हैं क्योंकि गाड़ी में लगता है तेल, सर्विस लगती है गाड़ी में, ठीक है, सर्विसिंग होती है गाड़ी की। तो गाड़ी भी उस हिसाब से लो कि जितना आपके पॉकेट में आप दे सको, तो ये वेस्ट ऑफ मनी तो मत करो। तो जो लोग लेना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, मैं ही बोलूंगा, प्रेफर करूंगा सेकेंड हैंड गाड़ी लो इस टाइम पे, क्योंकि नई गाड़ी लेना बेवकूफ़ी वाला काम है। तो वेट करते करते अभी देखो नेक्सॉन आई, लोगों ने जो नेक्सॉन अभी आई है अब लोग पछता रहे हैं, जो लोग ले चुके थे जो इससे पहले जो आई थी नेक्सॉन, तो अभी जो नेक्सॉन आई है उन्होंने कितना कुछ चेंज कर दिया, लाइट, DRL, ये सब, ठीक है, इंटरफेस, सीट कवर, तो अब लोग सोच रहे हैं वो बेस्ड ऑफ ये ले लेते हैं। तो मतलब ना लोग बेस्ड ऑफ मनी इतना कर रहे हैं, अच्छा है कि भाई अपनी एक गाड़ी रखो ऐसी की, बस वो ही चले, ठीक है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी लो अपनी, ये प्रेफर करूँगा आपको नई गाड़ी से ज़्यादा, तो सेकेंड हैंड गाड़ी बेस्ट चलती हैं, और लो मॉडल मत लेना। और जो लोग सीख रहे हैं अभी, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए आप 2020, 2021 या 2019 आप ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग सीखे सिखाए हैं, जिनको ड्राइविंग आती है, तो वो 21-22 ही लें इस टाइम पर, क्योंकि रेट वही है गाड़ी का, अभी रेट तो आगे बढ़ने वाला है गाड़ी का, और नई गाड़ी जो अभी 1 साल दिखा रहा है, तो आने वाले टाइम में दिखाएगा कि भाई जो गाड़ियां हैं वो अभी 1-2 साल का वेटिंग और होगा, तो आने वाले टाइम अभी भी बहुत ख़राब होने वाला है। तो अच्छा है कि भाई अपनी एक गाड़ी उठा लो, अच्छी सी गाड़ी हो, और लगती बहुत है भाई मेरी गाड़ी अभी, कितनी बार मतलब साइड से लोग ना गाड़ी खड़ी करता हूँ, जबकि मैं अपनी गाड़ी का कितना ध्यान रखता हूँ मुझे पता है, तो मेरी गाड़ी में किसने चाबी मार दिया ऐसे करके, तो अच्छा मेरे पास सब चीज़ें हैं साफ़ करने के लिए, बट ना यार ऐसी चीज़ें मत किया करो यार, लोग अपनी मेहनत से गाड़ी लेते हैं, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अगर गलती से मुझे कभी दिख गया वो बंदा, तो मैं उसको गाड़ी में डिक्की में डाल के ना गाड़ी में सिस्टम का गाड़ी वॉल्यूम तेज करके ना बजा दूंगा। तो अच्छा है कि भाई ऐसा काम मत करो, ठीक है, और ऐसा काम करोगे तो भाई तुम मार भी खाओगे लोगों से जिन्होंने देख लिया भाई, तो ऐसा काम मत करो। तो सबसे अच्छी है अपने भाई सेकंड गाड़ी लो, और आज का था ये वीडियो, ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी नवरात्रि, बाय।